इन दोस्तों, मेरा नाम अमित और स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर जो है ना मुझे 14.0.3.0 का अपडेट मिला हुआ है पोको M4 Pro 4G के अंदर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 14.0.3.0 TKEINXM अपडेट है और इसके अंदर हमें जून का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक फुल वीडियो यहाँ पर चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्या कुछ है यहाँ पर अपडेट में, आप लोगों को कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा, सब इन्फॉर्मेशन दिए मैंने उस वीडियो में। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में बस हम लोग यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 12% से जो है वो चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12% जो है बैटरी हमारे स्मार्टफोन की यहाँ पर चार्ज, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ सेटिंग के अंदर चल के, बैटरी वाले में चलते हैं एंड यहाँ पर देखेंगे अभी नॉर्मल यहाँ पर लिखा हुआ देखने का आप सभी को मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर है। वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, डिवाइस जरूर हीट होगा चार्जिंग टाइम और बहुत हीट भी होगा, ये मैं बात आपको पहले ही समझा देता हूँ। तो अभी आप बैटरी का परसेंटेज देख लीजिए, 12% बैटरी है, 8:13 हो रहे हैं और 27 जून को मैं ये यहाँ पर वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो है यहाँ पर आप सभी के सामने जो है चार्जिंग इन करने वाला हूँ। अब देखो मैंने आप सभी के सामने जो है यहाँ पर चार्जर लगा दिया, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप ये देखेंगे एनिमेशन यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ पर आप देखेंगे 8:13 पर हमने स्टार्ट कर दिया और 12% जो है वो बैटरी यहाँ पर देखने को मिलती है। 8:14 ही मान लीजिए, क्योंकि अब 8:14 यहाँ पर हो गए और 12% बैटरी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 13% हो गई। अब मैं आप लोगों से आधे घंटे बाद मिलता हूँ कि इसने आधे घंटे में अपने आपको कितना परसेंट यहाँ पर चार्ज किया है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो अभी देख लो 8:44 यहाँ पर हो रहे हैं और आधा घंटा मुझे यहाँ पर पूरा हो चुका है। और मैं आपको स्मार्टफोन का बैटरी भी चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 55% जो है आपको बैटरी यहाँ पर देखने को मिलती है, 55% यहाँ पर चार्ज हो चुका है। जी दोस्तों, 43% के आसपास जो है इसने यहाँ पर कम्प्लीट चार्ज किया है आधे घंटे में, जो कि कहूँगा काफ़ी स्लो है। एंड यहाँ पर बैटरी का टेम्परेचर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर वार्म अब यहाँ पर जा चुका है, पहले नॉर्मल था, अब वार्म यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो बैटरी की जो परसेंटेज आप लोगों के सामने है, 55% बैटरी इसने यहाँ पर चार्ज करी है आधे घंटे में। 13% से हमने स्टार्ट किया था और अभी 55% और हमको आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में इसने 43% तक यहाँ पर चार्ज करी है, जिसको मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। तो 55% जो है यहाँ पर हुआ है। अब जैसे स्मार्टफोन कंप्लीटली फुली चार्ज यहाँ पर हो जाता है, तब मैं आपको बताता हूँ इसको फुल चार्ज होने में कितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगता है। दोस्तों यहाँ पर 9:24 हो चुका है और आप बैटरी भी देख लीजिए 100% जो यहाँ पर चार्ज हो चुकी है। मैं आपको फ़ोन का टेम्परेचर भी चेक करा देता हूँ, इसके लिए मैं बैटरी में जाऊँगा। एंड यहाँ पर आप देख लीजिए अभी भी वॉर्म यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि अभी 100% चार्ज हुआ है एंड 9:24 यहाँ पर हो चुका है। तो 1 घंटा 10 मिनट का समय लग चुका है इसको फुल चार्ज होने में। लास्ट टाइम से अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो लास्ट टाइम भी जो है इसको 1 घंटा 12 मिनट लगा था। और मैं आपको याद दिला दूँ, MIUI 14.0.1.0 का जब अपडेट आया था तो उसके अंदर क्या था कि यहाँ पर हमने 11% से चार्जिंग स्टार्ट करी थी और उसने 1 घंटा 12 मिनट में फुल चार्ज यहाँ पर कर दिया था। यानी 11% से 100% चार्ज होने में 1 घंटा 12 मिनट लगा था और इस बार हमने जो है ना चार्जिंग यहाँ पर 13% से स्टार्ट करी है, 13% से 100% होने में इसने 1 घंटे का समय ले लिया। तो टाइम ऑलमोस्ट उतना ही है, कोई फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ें आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अपडेट अभी भी जो है यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। क्योंकि अभी एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अभी गर्मियों का महीना चल रहा है, देखो भैया यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा ही, क्योंकि गर्मियों के टाइम में फ़ोन ज़्यादा हीटअप भी होते हैं एंड चार्ज भी यहाँ पर स्लो होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाती है इसके अंदर भी। तो ये इसका यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट था। एंड यहाँ पर रही बात, कई लोग डिमांड करते हैं कि ड्रेन टेस्ट यहाँ पर लेके आओ, बैटरी ड्रेन टेस्ट, तो वो करना मुश्किल है भाई लोग, क्योंकि बैटरी ड्रेन टेस्ट करने में लगभग मान लीजिए 6-7 घंटे जो है टाइम बर्बाद होता है। तो उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं यहाँ पर चार्जिंग जो है इसकी ड्रेन करके दिखाऊँ आपको, बैटरी ड्रेन टेस्ट लेके आ पाऊँ, वो मेरे से नहीं होगा अभी फिलहाल, इसलिए मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट नहीं ला सकता हूँ। अब मैं इसको फुल यहाँ पर यूज़ करूँगा एंड इसके बाद रिव्यू भी लेके आने वाला हूँ कि इसको जो है यहाँ पर 100% से जो है यहाँ पर पूरा दिन यूज़ करने में कितना बैटरी बैकअप यहाँ पर निकाल के दे रहा है, उसके रिगार्डिंग फुल रिव्यू भी आएगा। उसमें हम एंड-टू गीगबेंच वगैरह सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे, कैमराज वगैरह के बारे में भी। तब तक आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।